हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लेकर आए हैं आपके लिए आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कवियों का, लेखकों का या साहित्यकारों का जीवन परिचय, जिसमें हम आज एक प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि प्यारे विद्यार्थियों तुम्हारे आर्ट्स सभी के लिए, चाहे वो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हों या साइंस वाले हों या कॉमर्स वाले विद्यार्थी हों, उनके हिंदी के पेपर में कवि का, लेखक का या साहित्यकार का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है यदि आपको 4 नंबर चाहिए तो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। बहुत ही शानदार कवि था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं इसका जन्म। तो प्यारे विद्यार्थियों, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1898 ईस्वी को वसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुरी जिले के महिषादल गांव में हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर हुआ था इनका जन्म? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1898 ईस्वी को वसंत पंचमी के दिन हुआ था। वसंत पंचमी को और क्या मनाते हैं हम? सरस्वती जी के जन्म दिवस के रूप में भी वसंत पंचमी को मनाते हैं हम, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपनाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। क्या था? सूर्य कुमार। इनको निराला जी भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो कविताएं हैं वो अन्य कवियों से अलग हैं, हटके हैं। अभी आगे देखेंगे क्यों हटके हैं, इसलिए इन्हें निराला कवि भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इन्हें महाप्राण कहा जाता है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ शॉर्ट में लिखा है मैंने, तो इसको मैं बोलकर और बता देता हूँ। जब इनका जन्म हुआ था तो बहुत ही छोटी आयु में इनकी माताजी इन्हें छोड़कर चली गई। फिर धीरे धीरे ये बड़े हुए तो बड़े होते होते, वयस्क होते होते इनके पिताजी का देहांत हो गया। फिर इस प्रकार इनका जीवन चलता रहा। इनकी औपचारिक, कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा कक्षा 9वीं तक ही हुई थी। फिर इन्होंने स्वाध्याय किया और स्वाध्याय के द्वारा अपने आप को इस प्रकार विकसित किया कि आज हम इनको पढ़ते हैं, इनको किताबों में पढ़ते हैं, पूरे विश्व में इनको जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही एक अच्छे कवि थे ये, ठीक है। फिर इन्होंने जितना संघर्ष इन्होंने किया है, शायद ही किसी और कवि ने किया होगा, क्योंकि तभी धीरे धीरे इनके पिताजी का देहांत हो गए वयस्क होते होते। फिर धीरे धीरे चाचा सब का, मतलब परिवार में एक दो ही बचे थे। इनके जहां किताबों में लिखा हुआ है कि इनके परिवार के लगभग सभी व्यक्ति मर गए थे, केवल इनकी बेटी और पुत्र ही बचे थे। फिर इन्होंने अपनी बेटी जी का क्या कर दिया? शादी कर दी। फिर शादी होने के बाद कुछ समय बाद ही इनकी बेटी का भी देहांत हो गया था, ठीक है, जिसकी स्मृति में इन्होंने एक बहुत ही प्रमुख काव्य लिखा था, सरोज स्मृति, ठीक है। तो ये कुछ इनकी जीवन से संबंधित जुड़ी घटनाएं थी, ठीक है। अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो प्यारे विद्यार्थियों, साहित्यिक परिचय की बात करें तो ये प्रमुख छायावादी कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन से कवि थे? छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, यानी कि इनकी जो लगभग कविताएँ किस रूप में? छायावादी कविताओं के रूप में। अब छायावाद के हिंदी साहित्य में 4 स्तंभ माने जाते हैं। एक तो हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गया, महादेव वर्मा हो गए और सुमित्रानंदन पंथ जी हो गए, ठीक है। 4 प्रमुख स्तंभ थे, जिनमें से एक प्रमुख स्तंभ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी था, ठीक है। और क्या और इनकी कविताएं जो थी, अब हमने बात करी थी निराला क्यों कहा जाता है इनको। निराला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य में मुक्त छंद की प्रवृत्ति को अपनाया, यानी कि मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही माना जाता है, ठीक है, इसलिए इन्हें निराला कवि कहा जाता है। अब देखिए इनकी काव्य रचनाएं इनकी बहुत फेमस है। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत, गुंज, सांध्य कांकली, राम की शक्ति पूजा, बहुत फेमस है राम की शक्ति पूजा, और सरोज स्मृति। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, जिसमें से बहुत फेमस है राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। इनकी सबसे लंबी काव्य रचना कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, ठीक है। इन्होंने कुछ
उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे अपरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ले भाट, ये इनकी कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, इनकी नॉवल हैं। फिर इनकी कहानी हैं, स्टोरियाँ हैं, जैसे चतुरी चमार, देवी, लीली, सखी, ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संपूर्ण काव्य संग्रह को निराला संग्रह के रूप में रखा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनकी कविताएं मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुआ करती थी, याद रखना। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं कौन से पत्र में प्रकाशित हुआ करती थी? मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुआ करती थी। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने समन्वय और सुधा नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। आई होप विद्यार्थियों, आपको महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय समझ आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी इस वीडियो से भला हो सके। धन्यवाद।